नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। खबरें सुपरफास्ट में। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। इसके लिए कांग्रेस के कल शाम को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने यह तय कर लिया है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी कि वायनाड से एक बार फिर राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान होना भी बाकी है। कांग्रेस सीईसी की बैठक कल हुई और इसमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। माना जा रहा है कि करीब 60 प्रत्याशियों के नामों पर यहां पर चर्चा हुई और उनको तय कर लिया गया है, जिनका ऐलान आज हो सकता है। पहली सूची आज जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कई बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, जिसमें राहुल गांधी वायनाड से, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से, भूपेश बघेल राजनांदगांव से, ज्योत्ना महंत कोरबा से उम्मीदवार होंगी। राहुल गांधी वायनाड से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। जी हां, वहीं सीपीआई ने पहले यहां पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है। एनी राजा वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गठबंधन इंडिया के दो दो उम्मीदवार वायनाड सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कल कांग्रेस की सीईसी की दिल्ली की 3 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया। हालांकि कोई नाम फाइनल नहीं हो सका। चांदनी चौक सीट से रेस में जेपी अग्रवाल, संदीप दीक्षित और अलका लांबा है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से अरविंद सिंह लवली और अनिल चौधरी को दावेदार माना जा रहा है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से राजकुमार चौहान और उदित राज के नामों पर पार्टी ने फैसला ले सकती है। रिगार्डिंग द पार्लियामेंट कैंडिडेट्स, वी फाइनलाइज्ड सीट फ्रॉम केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड लक्षद्वीप। फॉर्मल अनाउंसमेंट विल बी, द प्रोसीजर इज गोइंग ऑन, फॉर्मल अनाउंसमेंट विल बी वेरी सून। जो भी निर्णय लिया जाएगा एआईसीसी आपको ब्रीफ करेगी। आज तो सभी स्टेट्स पर टिकट वितरण को लेकर सीसी में विस्तार चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी। और जो मेंबर्स थे, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, जो इंचार्जेस स्टेट्स के हैं, उन सब के साथ लंबी एक अच्छी विस्तारित चर्चा हुई, अच्छे माहौल में हुई है। बहुत जल्द हम लोग जो सीसी का निर्णय होगा आप लोगों के सामने लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए नामों पर कांग्रेस में मंथन के बीच में राहुल गांधी ने कल 5 बड़े वादे किए, जिसमें 30 लाख युवाओं को केंद्र सरकार में स्थायी नौकरी की गारंटी दी गई। दूसरे वादे में कहा गया है कि हर एक डिप्लोमा होल्डर या फिर कॉलेज ग्रेजुएट को पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में 1 साल की अप्रेंटिसशिप भी दी जाएगी। राहुल गांधी ने तीसरा वादा किया है कि पेपर लीक के खिलाफ कानून लेकर आएंगे, जिसमें परीक्षा दिलवाने का तरीका सुधारा जाएगा। चौथा वादा है कि जो ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड या फिर डिलीवरी बॉय है, उन्हें पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। और राहुल गांधी ने पांचवा वादा किया है कि 5,000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवकों को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा। अब बात एनडीए की, जिसमें मिशन 400 प्लस के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी और तमाम अन्य नेता तीसरी बार सत्ता पाने के लिए फुल एक्शन मोड में। इसी कड़ी में पावर सेंटर दिल्ली में हलचल बहुत ज्यादा है। कल का दिन लगातार बैठकों का रहा। एनडीए के सहयोगी दिल्ली में पहुंचते रहे। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के तालमेल के मुद्दे पर बातचीत के लिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे। पवन कल्याण भी दिल्ली में पहुंचे। दोनों ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। उधर बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान नड्डा से मिले। देर रात तक बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की अमित शाह के साथ बैठक चली। कल बिहार के दोनों ही उप मुख्यमंत्री दिल्ली में पहुंचे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे। फिर रात करीब 1:45 बजे उनकी मुलाकात चली, बताया जा रहा तब तक। और माना जा रहा है कि बिहार बीजेपी नेताओं के अमित शाह के साथ बिहार में उम्मीदवारों के चेहरे पर चर्चा हुई। उधर एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक उनकी पार्टी ने बिहार में 6 लोकसभा की सीट मांगी है। अब खबर आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने बीती रात दिल्ली में अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उनमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है।
जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने भी बीजेपी के दोनों ही दिग्गजों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन में 7 लोकसभा की सीट और विधानसभा में 25 सीटें चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ टीडीपी 4 लोकसभा की सीट और 20 विधानसभा की सीट देना चाहती है। इसके पीछे टीडीपी का तर्क है कि पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को भी लोकसभा और विधानसभा में उन्हें सीट देनी पड़ेगी। बीजेपी अपने मिशन 370 और एनडीए के मिशन 400 प्लस को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, और इसी कड़ी में ओडिशा में एक बार फिर से बीजेडी के साथ तालमेल की तैयारियां हैं। 15 साल के बाद नवीन पटनायक एनडीए के साथ आ सकते हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दोनों ही राजनीतिक दलों में एक फॉर्मूले पर बात हो रही है कि बीजेपी ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेडी विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। इस बार बीजेपी 21 में से 14 लोकसभा की सीट चाहती है, और बीजेपी से सीटों के तालमेल पर बात के लिए बीजेडी के वीके पांडियन और प्रणव प्रकाश दिल्ली में पहुंचे। उनकी मुलाकात बीजेपी के दिग्गजों से आज हो सकती है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो ओडिशा में 21 में से बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, बीजू जनता दल ने 12 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बीजू जनता दल ने 43% वोट प्रतिशत हासिल किए थे, तो बीजेपी को 39% वोट हासिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो करीब 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात राज्य को देंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा 2 दिनों का है। आज शाम को प्रधानमंत्री काजीरंगा नेशनल पार्क भी पहुंचेंगे और रात में वहां पर रुकेंगे भी। अगली सुबह नेशनल पार्क में जीप और हाथी सफारी का लुत्फ उठाएंगे। पीएम मिलिंग मेटली के चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे, और साथ ही पीएम आवास योजना के तहत तैयार किए गए 5,50,550 मकानों को लाभार्थियों को सौंपेंगे। पीएम यहां पर तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, साथ ही शिव सागर मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे। असम के 2 दिनों के दौरे के बीच में प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे। संदेश खाली पर बवाल के बीच में ममता बनर्जी कल कोलकाता में महिला मार्च में शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमलों की बौछार कर दी। उन्होंने संदेश खाली मसले को लेकर कहा कि कोई भी गुनाह करके बच नहीं सकता, चाहे वो टीएमसी का नेता हो चाहे किसी और पार्टी का क्यों ना हो। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाया, आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई के जरिए बीजेपी विरोधियों पर कार्रवाई कराती है। बंगाल में 454 टीम भेजा और मणिपुर में हमारा इतना बैन जल गया, इतना निकटली कलेक्ट किया, कितना टीम भेजा आपने। हम अगर आप ही करते हैं वो जमा है चर्चा, और वो अगर कुतल नहीं करते हैं तो वो बात नहीं होता है। नेताजी हम लोग समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने कल पेपर लीक मसले को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। वो प्रयागराज के दौरे पर थे और तभी क्रिया आयोग आश्रम और अनुसंधान संस्थान भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने क्रिया आयोग संस्थान के योग गुरु योगी सत्यम से मुलाकात भी की। इस दौरान कुछ छात्रों ने अखिलेश यादव के सामने पेपर लीक का मसला उठा, तभी अखिलेश यादव ने यहां से सरकार पर हमला बोला। जी हम लोगों के बारे में कुछ सोचिए, नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो जा रहे हैं। नौकरी तभी मिलेगी जब एक व्यक्ति को बेरोजगार कर दोगे, दिल्ली वाले। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। पूरा पेपर लीक हो जा रहा है, कोई पेपर नहीं हो रहा। जानबूझ से कराए जी सर, हम लोग का ये सोचना मत, अगर ये सोचोगे तो फिर उनकी मदद होगी। महाराजगंज जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और उनके करीबियों के खिलाफ भी जांच एजेंसी ने एक्शन लिया। यूपी में जबरन उगाली, इसके साथ साथ सरकारी और निजी जमीन पर अवैध कब्जा, अवैध निर्माण और आरोपों को लेकर ईडी ने कार्रवाई की छापेमारी की। पीएमएलए की जांच में यह खुलासा हुआ कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में एमएलए रहते हुए इरफान सोलंकी ने उनके संपत्ति में 282% का इजाफा हुआ। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि इरफान सोलंकी के पास से बेहिसाब बेनामी संपत्ति मिली। जांच में सामने आया कि इरफान और उनका भाई रिजवान जिस 1000 स्क्वायर मीटर के बंगले में रहते हैं उसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है और वो भी अवैध तरीके से कमाए गए पैसों से खरीदा गया है। ईडी की छापेमारी के दौरान कुछ डायरी बरामद हुई जिसमें करीब 40 से 50 करोड़ रुपए के लेनदेन की जानकारी सामने है। 5 करोड़ रुपए में मुंबई में खरीदी गई जमीन के कागजात भी जब्त हुए हैं। और आपको बता दें कि कल सुबह 6 बजे छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई जो कि शाम को 7:30 बजे जाकर समाप्त हुई।
बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के मामले में एनआईए ने एक पूर्व पीएफआई सदस्य को हिरासत में लिया है और धमाके में मिनाज उर्फ सुलेमान का हाथ होने का शक है। एनआईए को जांच में पीएफआई कनेक्शन की जानकारी मिली है। मिनाज 18 दिसंबर से जेल में बंद था। एनआईए ने उससे पूछताछ के लिए कोर्ट से बॉडी वारंट लिया और उसके बाद से मिनाज को हिरासत में लिया गया है। 9 मार्च तक सुलेमान से एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। 1 मार्च को बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वर कैफे में धमाका हुआ था।